जनपद के 3,480 बूथों पर मतदान करके पोलिंग पार्टियां गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में वापस लौट आईं और अपने ईवीएम और वीवीपैट को काउंटर पर जमा कराया। इस दौरान एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव, सीडीओ अनुज सिंह, एसडीएम सदर प्रथमेश कुमार, एसडीएम सहजनवा सुरनीत कौर, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित सहित संबंधित अधिकारी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रखे हुए थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी व उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि पोलिंग पार्टियां सकुशल मतदान कराकर वापस लौट रही हैं। गोरखपुर लोकसभा सीट पर 57% तथा बांसगांव लोकसभा सीट पर 54% मतदान हुए हैं। कुल मिलाकर ऑल ओवर गोरखपुर जनपद में 56% मतदान हुआ है, जो पिछली बार के मतदान प्रतिशत से अधिक है। एडीएम सिटी ने बताया कि चुनाव के दौरान 2 मतदान कर्मियों को हार्ट अटैक से मौत हो गई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव ने बताया, लगे हैं इसके अतिरिक्त 2-2 मैनुअल वर्कर देंगे। बिहारी टेबल नंबर 1 पर सारा विधानसभा इधर जमा हो रहा है जितने लिया गया है वही जमा करना है। नहीं बैठ गए हैं लोग। जनपद गोरखपुर में 2 लोकसभाएं हैं, 64 गोरखपुर की जो संसदीय क्षेत्र है उसमें 57.51% वोट हुआ है, जो पिछले परसेंटेज से लगभग 4% से ऊपर है। और बांसगांव लोक क्षेत्र में जो हमारा परसेंटेज है वोटिंग का 54.80 है, और टोटल जो हमारे पूरे गोरखपुर का परसेंटेज है वो 56.49% है। पोलिंग पार्टियां अपना सक्सेसफुली निर्वाचन संपन्न कर चुकी हैं और वो इस समय वापसी पे हैं, और यहां यूनिवर्सिटी में जो भी स्ट्रॉन्ग रूम बने हैं लोकसभा 64 के और लोकसभा 67 के, वो इन स्ट्रॉन्ग रूमों में सारी ईवीएम मशीनें समय से जमा होंगी। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि बड़ी दूर से पार्टियाँ आ रही हैं चुनाव करा के। चुनाव सक्सेसफुली सम्पन्न हुआ है। ईवीएम की निगरानी यहाँ पर जो सीपीएमएफ फोर्स रहेगी वो उसकी स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी करेगी, और कैंडिडेट्स के उनके इलेक्शन एजेंट, कैंडिडेट स्वयं या उनके कोई प्रतिनिधि इस स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी कर सकते हैं और सीसी कैमरे पर ये लगातार देख सकते हैं कि उनके स्ट्रॉन्ग रूम सील्ड हैं, कोई किसी प्रकार का संदेह ना रहे उनके दिमाग। हाँ, कहीं पे कोई अप्रिय घटना नहीं है संज्ञान में आई है, लेकिन बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में एक पीठासीन अधिकारी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है, और पिपराइच क्षेत्र में एक पोलिंग अधिकारी तृतीय की भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है।